हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, तो कहिए कैसे आप सब। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अभी लिखिए तुरंत कि कैसे आप सब। ठीक है, तो आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में आपको चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसको लेकर आपके मन में हमेशा डाउट रहता है, कन्फ्यूज रहता है कि किसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने सब्सटेंस का क्लासीफाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो ये सब में आप क्लासीफाई करते हैं, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पर हम लोग जैसे आपको बताना चाहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के पास ना दो प्रकार का मोशन होता है। क्या क्या? एक होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन के ही चलती जो सब्सटेंस होता है ना, कोई भी सब्सटेंस होता है स्पिन मोशन के ही चलती, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएट होता है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, और उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मेजर करते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ पर होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू से, और म्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, जहाँ पर एन प्लस टू होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो एन होता है ना, एन क्या होता है, यहाँ पर आपका एन होता है वेयर, जहाँ आपके आपका पास एन होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का डिनोट करते हैं म्यू से, और म्यू का फॉर्मूला ये हुआ, और इसका यूनिट होता है बीएम। क्या होता है, बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन, और बोर मैग्नेटन बराबर होता है 9.27 इंटू 10 का पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया बोर मैग्नेटन का फॉर्मूला, यूनिट आपका बोर मैग्नेटन का ये होता है वैल्यू 9.27 इंटू 10 का पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो इतना हमने बेसिक नॉलेज पहले प्राप्त कर लिया, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया। तो क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज any substances classified as five categories। ठीक है, पांच कैटेगरीज में इसको बांटा गया, इन फाइव कैटेगरीज। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पांच कैटेगरी में बांटा गया। क्या क्या? पहला हो जाता है आपका पैरामैग्नेटिक, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सुना होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा था क्लास 11 में डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, डायामैग्नेटिक, ये दो ही आपने क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, 12 में आपको और तीन पढ़ना है। क्या क्या? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस नोट करते चलिएगा। ठीक है, मेरा साथ नोट करिए, मजाक नहीं, एकदम नोट करिए। ठीक है,
ये क्योंकि आपका चेक बोर्ड में ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में तो खास करके पूछेगा इससे। उसके बाद आपको फेरोमैग्नेटिक हो गया, उसके बाद फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और पांचवा और लास्ट क्या होता है, एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट मार लीजिए, जल्दी नहीं नोट होता है। उसके बाद हम लोग इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, ठीक है, समझिए, इसको समझने वाला चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, कहीं भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कहीं भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक, इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस है, समझिए, सब्सटेंसेस है यानी सब्सटेंस है, ठीक है, तो लिखेंगे दो सब्सटेंसेस, तो अच्छा ठीक है, इसको पहले बता देते हैं क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, क्या होता है, दो वैसा सब्सटेंस जिसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रख देंगे ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अपनी ओर वीकली अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो चलिए उसको लिखते हैं, तो दो सब्सटेंसेस नोट कीजिए मेरे साथ लिखते चलिए, दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, लिख लीजिएगा, ठीक है, इज कॉल्ड, लिख लीजिएगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वैसा सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि उसको रख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर आकर्षित करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आप यदि देखेंगे तो पहले आप डायग्राम को इसको छाप लीजिए, सबसे बढ़िया है डायग्राम, ये हम मान लेते हैं सब्सटेंस को रख दिए, ठीक है, यहाँ पर एक सब्सटेंस को रख दिए, अननोन सब्सटेंस, हम नहीं जानते कौन सब्सटेंस है, ठीक है, हम रख दिए, ठीक है, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को पास करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को पास करा रहे हैं, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ जाएगा तो वीकली अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर थोड़ा खींच लेगा, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट करेगा, फिर ये अपना मार्ग से डायरेक्ट चल जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए, कि किसी भी यदि सब्सटेंस को मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो क्या करता है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यदि वो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है तो वैसा सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। एग्जांपल में आप लिख लीजिए इसका, जितना भी ये हो गया आयंस वगैरह, ये सब जितना हो गया आयंस वगैरह, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, H2O हो गया, H2O आइस होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि H2O आइस होना चाहिए, ETC, ठीक है, लिख लीजिए पहले इसको, नोट कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए, कुछ भी नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, वीकली अट्रैक्ट, ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछेगा, मजाक नहीं कीजिए, लिखिए पहले, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट, समझते चलिए, लिखते जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपका ये लैंग्वेज वही रहेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा आपका आ जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है कि वैसा सब्सटेंसेस जिस यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को है ना वो वीकली रिपेल्ड कर देता है, वीकली रिपेल्ड दूर भेज देता है, ठीक है, बस उसी को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड खाली यहाँ पर लिख दीजिए बस, और कुछ करना ही नहीं है, रिपेल्ड, ठीक है, विच आर वीकली रिपेल्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लिख लीजिएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसका एग्जांपल में ये आपका जो वीकली रिपेल्ड करता है, वीकली रिपेल्ड कौन करेगा, ठीक है, जैसे आपका हो गया एक मिनट, उसमें जो आपको एग्जांपल मैंने लिखाया था NaCl H2O वो आपका था इसका, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, चेक उसको थोड़ा सुधार लीजिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का था, ठीक है, आइस,
वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल था, ठीक है, उसका एग्जांपल ये होगा, ठीक है, उसमें लिख लीजिएगा, उसमें लिख लीजिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल में आपका ये होगा, ये हो गया O2 हो गया, देखिए P से पैरा और P से जितना पॉजिटिव वाला है, ठीक है, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, मेरा माइंड से निकल गया था इसीलिए, ठीक है, Mg हो गया, डबल प्लस Al हो गया, ट्रिपल प्लस, ये सब ATC, इतना ये सब जो है ना, देखिए पॉजिटिव जितना आयंस है ना, पॉजिटिव आयंस P से पारा, P से पॉजिटिव आयंस, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है, ये इसका एग्जांपल ये सब हो गया, डायमैग्नेटिक में ये एग्जांपल होगा, ठीक है, जितना भी आयंस सब है, ठीक है, लिख लिए होंगे, ठीक है, चलिए इसका फिगर तो लगभग लगभग आपके माइंड में बन ही गया होगा, उसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें रिपेल कर जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हम उसमें छापेंगे नहीं, ठीक है, ये हो गया, कन्फर्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, लिखते चलिए, ठीक है, मजाक नहीं, एकदम लिखते चलिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस चलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तीसरा नंबर है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देखिए, फेरोमैग्नेटिक जो फेरोमैग्नेटिक बहुत नाम से ही पता चल रहा, फेरो मतलब फेरस वाला कुछ है, मतलब लोहा आयरन का बात कर रहा है यहाँ पर, तो लोहा ज़्यादातर हमारे माइंड में जब भी हम लोग सोचते हैं लोहा के बारे में, तो हम लोग को माइंड में बहुत कठोर चीज़ का आकृति आता है दिमाग में, लोहा कठोर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ठीक है, इस तरह ट्रिक से याद रखिए, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे, तो वैसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रख देंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो लिखेंगे दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली के जगह लिख दीजिए स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड के जगह लिख दीजिए अट्रैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसका फिगर भी आपको माइंड में बन ही गया हो गया, एग्जांपल इसका एग्जांपल हो गया कॉपर डाइऑक्साइड, ये हो गया, उसके बाद आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सब काफ़ी ज़्यादा कठोर सब्सटेंस है, ठीक है, हार्ड, ठीक है, रिजिड, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। उसके बाद आपका चौथा आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, नोट करते चलिए, देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखेंगे नहीं, एकदम क्लास 12 आ गई है, ठीक है, चौथा है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी इसमें डिफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, इसमें ये डिफिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, देखिए समझिए जो बोल रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि वैसा सब्सटेंस जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन में, किस लिए, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ना हो, समझिए कि वैसा सब्सटेंस जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स प्रेजेंट रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, सो डैट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, समझ में आ गया, लिखेंगे कि दो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस इन विच, दो सब्सटेंसेस इन विच, मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लिखते चलिए, ठीक है, लिखते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो सब्सटेंसेस इन विच अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन सो डैट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड लिख लीजिएगा, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है समझ में आ गया, क्या बोले कि वैसा सब्सटेंस जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स प्रेजेंट रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसलिए कि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ना हो, ठीक है, इसका डायग्राम से समझिए सबसे बढ़िया रहेगा, जैसे पहले एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए Fe3O4, ठीक है, ETC और भी होगा, ठीक है, तो इसका डायग्राम समझिए किस तरह होगा, जैसे डोमेन्स है, ठीक है, डोमेन्स किस तरह होता है, डोमेन्स इस तरह होता है, ठीक है, जो स्पिन होता है ना उसी तरह, इधर एक हो गया, इधर 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 इधर, देखिए ऊपर तरफ मुंह एक दो तीन गो का है, नीचे तरफ मुंह एक दो गो का, यानी अनइक्वल नंबर है डोमेन्स, ये सबको डोमेन्स कहते हैं, ठीक है, ये सबको डोमेन्स कहते हैं, ये सब डोमेन्स कहते हैं, डोमेन्स, ठीक है, डोमेन्स कहते हैं,
तो अनइक्वल देखें एक दो तीन और एक दो मात्र, तो अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स प्रेजेंट रहता है ऑपोजिट डायरेक्शन, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ठीक है, जो म्यू का वैल्यू हम लोग लिखाए थे ना फॉर्मूला में, वो जीरो ना हो ठीक है। तो इसका एग्जांपल Fe3O4 नोट कीजिए ठीक है, नोट कर लिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या एंटी फेरी मैग्नेटिक, इसी के आगे लिख देंगे पाँचवा नंबर में एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा, एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कुछ नहीं, केवल इसी को उल्टा हो जाएगा कि दो सब्सटेंसेस इन विच इक्वल खाली यहाँ हो जाएगा ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो डैट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट नहीं होगा बल्कि जीरो, ये जीरो करवाना चाह रहा है ठीक है। दो सब्सटेंसेस इन विच इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन में सो डैट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या आसान है क्या नहीं, देखिए समझने का केवल फेर है, आसान सब है ठीक है। इसका एग्जाम्पल में आप ये वाला लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें एक और दे दीजिए इस तरफ ठीक है, ये हो गया, ये इधर देखिए एक दो तीन हो गया और इधर एक दो तीन हो गया, बराबर डोमेन से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये वीडियो था ठीक है, यहाँ पर ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगा देखने में ठीक है, तो आप तुरंत वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ये वाला वीडियो, ताकि उनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी डाउट था सब क्लियर हो जाए ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का और भी ज़्यादा वीडियो पाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।